हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अभी जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये स्थान का नाम है कनक वाटिका और ये कनक घाटी। यहाँ पर श्री राधा माधव कवि जयदेव गोस्वामी का सभी तो विग्रह है। ये जो विग्रह है और श्री जो कवि जयदेव गोस्वामी इनकी सेवा करते थे, जिनका ग्रंथ है गीत गोविंद ग्रंथ, ये गीत गोविंद ग्रंथ अत्यंत दुर्लभ है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गंभीरा में रहते थे, ये ग्रंथ की आस्वादन करते थे। इसमें जो मंगलाचरण है, श्री तमला कुच मंडल है, ध्रुत कुंडल है, कलिता ललित वनमाल, ये जो भजन है ये जगन्नाथ जी का इतना प्रिय भजन है। जब तक ये जगन्नाथ जी भजन को नहीं सुनते तब तक सोते नहीं, उठते समय भी ये भजन को सुनकर उठते हैं। उसी दुपट्टा को धारण करते हैं जिसमें ये भजन लिखा हुआ, उसी माला को धारण करते हैं जिसी एक एक तुलसी पत्ता में एक एक श्लोक लिखा हुआ रहता है। इसलिए जिसको सुनने के लिए जब श्री देवदासी ये भजन गा रही थी, बैगन तोड़ रही थी, जगन्नाथ की मंजिर छोड़ करके उसको पीछे पीछे जाकर घूमते रहे और भगवान की कपड़ा और शरीर में भी दाग आ गया। लेकिन जब सवेरे हुआ, पुजारी देखा, राजा को बुलाया, जब राजा तो भक्त थे, जब ठाकुर जी के चरण में गिर पड़े, ठाकुर जी ऐसे कैसे हुआ, बोले कोई चिंता मत करो। और देवदासी ये कवि जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद गा रहा था, ये गीत गोविंद में हमारी श्री राधा रानी की महिमा है। जहाँ पर श्री राधा जी का नाम हो मैं तो रह ही नहीं सकता, वहाँ पर तो भाग भाग करके मैं पहुँचता हूँ। इसलिए कोई चिंता नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, ये स्थान श्री कवि जयदेव गोस्वामी का सभी तो विग्रह श्री राधा माधव जी का मंदिर है। आप लोग सबके सब दर्शन करो और इसकी लाभ आप लोग उठाओ। और यहाँ का सीनरी देखो कितना सुंदर है, कितना मनमोहक, और जैसे लगता है जैसे ये वृंदावन धाम है। तभी ये जयपुर में गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन सारे ठाकुर इसलिए यहाँ पर आए, यहाँ का भक्तों का प्रेम को देख करके और यहाँ की परिवेश, चारों तरफ में सुंदर पहाड़ी हरियाली, बड़े सुंदर स्थान है। सबका फोटो इन लोगों का ठाकुर की जय।